सवाल का जवाब मैंने आज देना पड़ेगा क्योंकि मेरे सर में काफी समय नहीं है, इसलिए मुझे वीडियो कर नहीं पाया, क्योंकि इसलिए आप लोग दिक्कत मत होना और खुद का खुद मुझे चैनल में वीडियो भी डाल नहीं पाया क्योंकि समय भी नहीं है, इसलिए मुझे एक हफ्ता के बाद में गुवाहाटी जाना पड़ेगा, वापस जाकर मुझे ब्लॉग वीडियो लेके उसके बाद मेरे वीडियो में डालेगा। आप लोग मेरे आने वाला वीडियो को इंतजार करना रहना दोस्तों। हेलो गाइस, मेरे धर्म सर बोला यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत करते हो। अलग जगह में आज मैंने सफ़र करने के लिए, इस जगह का नाम गुवाहाटी शहर और गुवाहाटी शहर का नजदीक में रहने मैंने वीडियो कर रहा है। ये नदिया का नाम ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी का सबसे बड़े रिवर है। यह बहुत लोगों आता है घूमने के लिए क्योंकि यह भी बहुत सारा सिप है ना, बहुत सारा घूमने फिरने अच्छा है और ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप लोग अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर ज़रूर सब्सक्राइब करना लीजिए ताकि मैंने मोटिवेट होता है। जो भी हो दोस्तों, आप लोग देखते रहे ना, बहुत शानदार ये रिवर देखने के लिए अच्छा है और ऊपर कवर नस रहा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है। देखो देखो मेरे पीछे में व्यूअर्स कितना अच्छा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। देखो देखो देखो, बहुत शानदार है नज़ारा। हेलो गाइस, आप लोग देखिए इतना खूबसूरत एक गुवाहाटी का ब्रह्मपुत्र रिवर है, बहुत चौड़ाई नोडिया बहुत चौड़ा है। लेकिन आज मैंने पहले आया यहाँ सारनी करने के लिए। आप लोग देखते रहे ना कितना खूबसूरत ये नज़ारा और बहुत शानदार यहाँ पे जहाज है। मैंने तो अचानक यहाँ फंस गया लेकिन ये नज़ारा को देखने मैंने बहुत चमत्कार हो रहा है क्योंकि चमत्कार मिल रहा है मैंने। देखो कितना अच्छा, इस तरफ पानी के किनारे में जहाज भी है। मैंने यह फंस गया लेकिन फंसने के बाद मैंने बहुत अच्छा लग रहा मेरे दिल में। विंटर सीजन हो गया आजकल, देखो बहुत सारा आदमी भी यहाँ आता जाता है और जर्नी करने के लिए। देखो देखो पानी की ढहर देखो, उबर खबर हो रहा है पानी के ढहर। यह तो बहुत फसला होता है लेकिन आप लोग के लिए मैंने ये वीडियो क्यों कर रहा है। अभी ये गुवाहाटी शहर है लेकिन गुवाहाटी शहर बहुत चमत्कार देख रही है, यह आसाम का स्थिति होता है। आप लोग भी आ सकता है देखने के लिए, बहुत सारा खूबसूरत है ना ये नज़ारा और ये रिवर बहुत सोरा है। मैंने आज यह ब्लॉग बनाने के लिए आया